नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है, प्राचीन भारत का सीरीज चल रहा है, इसमें हड़प्पा का दूसरा और अंतिम भाग हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि जो भी बिहार या हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसी कंडीशन में अगर बीपीएससी की बात ले या अदर किसी भी पीसीएस की बात ले, तो यहां हड़प्पा से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 1921 में जो है हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और आज जो है 2021 हो रहा है, टोटल 100 साल हो गए हैं। 100 साल में ऐसा अनुमान लगाया जाता कि जब भी किसी का 100 साल, 75 साल या 50 साल हो जाता है, तो वहां से क्वेश्चन हमेशा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार बीपीएससी या सीडीपीओ का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम के बिहार की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हड़प्पा से क्वेश्चन पूछने वाला है। ऐसी कंडीशन में मैं हड़प्पा को लेके आपके सामने बड़ी बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में। इसके साथ साथ में दोस्तों, आप जानते हैं कि 6 तारीख के बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सारी संस्थाएं खुल जाएगी। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो किसी न किसी संस्था के पीछे दीवानगी पैदा करेंगे, तो ऐसे में बेस्ट और बेटर ऑप्शन पटना में सियोर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पर डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेस्ट दे सकें। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 या फिर 9015148787 76, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 9015148776, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य मन के अंदर नहीं है कि आप मेरी संस्था में आके एडमिशन लीजिए, ना कोई मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, बल्कि मेरा सीधा एक ही उद्देश्य है, और हार्टली गॉड गिफ्टेड एकदम दिल से बता रहा हूं, बस एक ही उद्देश्य है कि गलत संस्था में जाके आप अपने पैसा और अपने वक्त को बर्बाद ना कर दीजिए। बस वो बचाने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य चल रहा है, इसमें आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। आप अपने पैसे को उस संस्था में लगाइए जहां से आपके सपने को आपको दिखा सके, वो संस्था में मत लगा दीजिए जहां पर आपको बेरोजगारी लाइन पर ले जाके खड़ा कर सके। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आने वाला है, एकदम ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। वैसे तो हड़प्पा संस्कृति में लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, किंतु इनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है, और वो निम्न है। ऐसे तो अगर देखा था छोटा छोटा करके गांव कस्बे जो है करीब करीब 1500 स्थलों का खोज किया जा चुका है, लेकिन इनमें से नगर का जो खोज हुआ है वो सिर्फ 7 ही है। पूरी दुनिया में जो नगरीय सभ्यता है सबसे पुरानी जो है वो हड़प्पा का है, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया का है, ये सच बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। लेकिन सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो हड़प्पा है, जिसका फैलाव जो है अगर उत्तर से दक्षिण देखिए तो 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम देखिए तो 1600 किलोमीटर है, जिसका 1200 जो है तटवर्तीय इलाका है। चलिए आइए हड़प्पा को थोड़ा सा देखते हैं क्या है। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में आधुनिक जो है साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर जो है हड़प्पा स्थित है। ध्यान से सुनिएगा जितनी भी बातें कहने वाला हूं, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था, पहला उल्लेख जो है चार्ल्स मेसन, लेकिन उतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया था। ये टाइमिंग आ रहा है 1826 का टाइमिंग आ रहा है, पहली बार इसका जो साक्ष्य मिलता है चार्ल्स मेसन को, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया था। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन डलहौजी के टाइम में जब बिछाया जा रहा था, क्योंकि जानते हैं 1853 में जो है डलहौजी के टाइम में रेलवे का आगमन इंडिया में होता है, ये तो अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अब यहीं पे जो है हड़प्पा का दूसरा उल्लेख 1856 में मिलता है, कहां से, तो कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। इस समय जो है ब्रंटम बंधु जो है इसके द्वारा जो उपयोग किया जा रहा मिट्टी, उसमें जो है बहुत सारे ईंट का प्रयोग रोड़े का प्रयोग के रूप में हो रहा, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक जो है उस टाइम में जॉन मार्शल है, उनके निर्देश पे 1921 में, अब जो है 1856 के बाद फिर से दूसरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निरीक्षक जो है वो मार्शल है, जॉन मार्शल है, इन्हीं के निर्देश पे जो है 1921 का टाइमिंग आता है जब दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज करते हैं, और जो सबसे पहला नगर मिलता है उसका नाम होता है हड़प्पा, इसीलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता।
कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबा का तो पहले से उपयोग हो रहा है, तो तांबा और टीन दोनों को मिला के एक अलग धातु का निर्माण कर दिया जाता है जिसका नाम होता है कांसे, और कांसे का निर्माण जो होता है पहली बार शुरुआत जो होती है वो हड़प्पा में होती है, इसलिए से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस तरीके से व्यवस्थित नगरीय सभ्यता इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था। समकोण पे रास्ता काटा जाता, मतलब रास्ता होते थे पूरा व्यवस्थित तरीके से होती थी, जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी ग्रिड सिस्टम से जो होता शहर बसाया गया था, और दरवाजे जो है गलियों की तरफ खुलता था, सिर्फ लोथल था जिसमें दरवाजे जो है आगे की ओर मुख्य सड़क पे खुलती थी। ये सब बातें को थोड़ा सा समझिए ताकि मजा आ जाए इतिहास पढ़ने में, जो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया ना इतने तथ्य इतने सार इतने ये, अरे कुछ भी नहीं है, दिल से दिमाग से पढ़ो ना तो इतिहास बच्चों का खेल है। चलिए अब यहां पे जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज हो चुकी है, और इस समय जब ये मेरी लेक्चर आपके कानों में जा रही है आवाज मेरी, तो क्या 1921 नहीं है इस समय, बताइए अब, तो क्या 100 साल हो गया है? अगर 100 साल हो गया तो क्या आपका दिल नहीं कहता कि सुजीत सर इस बार तो पक्का है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछना है, तो क्यों ना हड़प्पा सभ्यता को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया जाए, एक भी डाटा ना छूटे, गलती होने का तो सारे दरवाजा ही बंद कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन तब जब आप हमारे साथ इस तरीके से पढ़िएगा, आइए, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, यह लगभग 150 हेक्टेयर जो है घेरे में यह बसा हुआ था, इसमें दुर्ग टीले एबी के नाम से दिया गया था। बस ये सब थोड़ा सा समझने वाला है, दुर्ग होता था एक, होता था पूरब और एक होता पश्चिम, जो पश्चिमी टीला होता था वो होता था थोड़ा ऊंचा, और जो पूर्वी टीला होता था जो कि स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया वो नीचा होता था, क्लियर है, और दोनों को जो है घेरा जाता था, लेकिन जो पूर्वी टीला होता था उसको घेरा नहीं जाता था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था क्योंकि वहां पे किसान मजदूर वकील शिक्षक वगैरह वगैरह लोग रहते थे, और जो पश्चिमी टीला था वहां पे पुरोहित रहा करते थे, वहां पे राजा रहा करते थे, तो उसको घेर दिया जाता था, दुर्ग के रूप में बदल दिया जाता था। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यानी अनाज कूटने के लिए और चबूतरे, क्लियर है ना, और वहीं पे श्रमिक आवास में मिले हैं। अन्नागार यानी रवि नदी के तट पर स्थित है अन्नागार, जिसमें अन्न रखा जाता, अगर गांव की भाषा में क्षेत्रीय भाषा में देखा जाए तो जिसको कोठी कहते हैं, जहां पे धान होती है चावल होती है गेहूं होती है वहां पे जो है कोठी में रखा जाता, उस समय मिट्टी के होते थे, हम लोग जब बचपन में थे तो मिट्टी के होते थे, अब जो है क्या कह सकते हैं स्टील के बने हुए आते हैं, लेकिन उसी टाइप के होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो है, हड़प्पा नगर क्षेत्र में दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसकी समाधि पर R37 नाम दिया गया है। चलिए हड़प्पा सन 1934 में अन्य समाधि भी मिली जिसपे H नाम दिया गया है, और यह सिंधु सभ्यता के बाद के काल का है। चलिए आगे चलते हैं, बस हड़प्पा में आपको इतना ही ध्यान रखना। आइए दूसरा है मोहनजोदड़ो, इसका जो खोज करते हैं वो राखालदास बनर्जी करते हैं। आइए यह पाकिस्तान प्रांत में, यह भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी, लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और इसका क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। दूसरा हड़प्पा है लेकिन पहला जो है वो कौन है, मोहनजोदड़ो, 250 हेक्टेयर थे, वहां 150 हेक्टेयर था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी किसकी, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है जो प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, अगर कर सकते हैं मृतों का टीला, मृतकों का टीला, क्लियर हो रही है बात को, समझिएगा। अब तक कहीं भी पढ़े हड़प्पा उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार हमारे साथ चलिए आपका गलत नहीं होने देंगे, सारी गलतियां रोक देंगे, बस एक बार साथ दीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किए थे। इसका सीधा सा मतलब है सुजीत सर, अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि 1921 में जो है हड़प्पा की खोज हुई है और आज 100 साल हो गया, 2021 है तो इंपोर्टेंट है, तो क्या 2022 में भी हो जाएगा इंपोर्टेंट? बिल्कुल, क्योंकि 2022 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी राखालदास बनर्जी से, तो 2022 में भी हड़प्पा इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्लियर होगी ना बात। आइए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले, स्तूप टीला भी कहा जाता था इसको, क्योंकि इस टीले पर जो है कुषाण काल के स्तूप बना होते थे। दुर्ग के टीले पे जो है स्नानागार अन्नागार सभा पुरोहित का आवास जो होता था इस दुर्ग के अंदर बना हुआ होता था, स्नानागार। ये जो है मोहनजोदड़ो का जैसी चर्चा होता तो सबसे पहले स्नानागार, इसको भला कौन भूल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे अधिक और सार्वजनिक स्थल जो विशाल है वो कौन है, स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, इतना मीटर लंबा चौड़ा वगैरह तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जानने की जरूरत है कि स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकलने के लिए नाली बना दिया गया था, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण तो ये हुआ, क्लियर हो रहा ना, और इसका पश्चिम जो होगा ये वाला इलाका, ये इलाका से क्या है गंदा पानी निकालने का जगह बना दिया गया था,
क्लियर है। अब तत्कालीन विश्व में आश्चर्यजनक निर्माण बताया था, जो ये स्नानागार था उस समय पूरी दुनिया में, जिस समय इसकी खोज हुई थी 1922 में, तो पूरी दुनिया जब देख रही थी मोहनजोदड़ो को, तो ये माना जा रहा था कि विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है, सबसे आश्चर्यजनक। अन्नागार व्हील के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी अन्नागार, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आइए, और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हुए चलें, घबराने की कोई जरूरत। चलिए एक थोड़ा सा फैक्ट है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के द्वारा जुड़े थे। पीगट महोदय, एक इतिहासकार है पीगट महोदय ने इन नगरों को जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो कौन है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ये कौन कौन है? पीगट महोदय। अब आते हैं चाहुंदरों में, ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ बातें जो जरूरी की है उसी चीज को रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसकी खोज 1931 में होती है एनसी मजुमदार के द्वारा। चाहुंदरो सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति में विकसित हुई है। मेके यहां मनके बनाने के कारखाना खोजा था, चाहुंदरो में मनके बनाने का कारखाना। यहां एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली के अंकन है, जो मुद्रा मिली है। और यहां से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे का निशान है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां वर्काकार, एकदम वर्काकार ईंट जो है यहां पर मिली है, और यहां से लिपस्टिक, काजल, कंघा, अस्तूरा आदि के प्रमाण भी मिले हैं। चाहुंदरो एक मात्र ऐसा स्थल है जहां पे मिट्टी की पकी हुई जो है पाइनुमा नालियां का भी यहां पे प्रयोग किया गया चाहुंदरों में। तो ध्यान रखिएगा, चाहुंदरों की बात चल रही है, तो यहां पे 2-3 चीज एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यहां मन के बनाने के कारखाना, मन के मतलब क्या होता है? मन के मतलब क्या होता है? ये मोती समझते हैं ना, जो मोतिया पर जो बड़े लोग होते थे सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में, तो वो लोग सोने चांदी के गहने पहनते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे, मिडिल क्लास के लोग होते थे, वो सब मनके के पहनते थे, मोतियों के माला पहनते थे। और जो सबसे निम्न स्तर के थे, निचले स्तर के थे, वो सब जो है मृदभांड या प्रस्तर के जो है आभूषण पहनते थे, यानी पत्थर के या फिर मिट्टी के आभूषण पहनते थे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां जो मुद्रा मिली है उस पर घड़ियाल और मछली का अंकन है, घड़ियाल और मछली का उस पर अंकन है, जबकि इसके ऊपर जो है एक सिंगा, बैल या गेंडा, अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो है बैल का निशान होता था, लेकिन यहां पे जो है घड़ियाल और मछली का जो है इसके ऊपर निशान है। साथ साथ में यहां पे देखिएगा कि जो ईंट है वो पूरी तरीके से वर्काकार है, और यहां एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान है, यानी कि बिल्ली और कुत्ते का वहां पे पहचान है। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि इस टाइम में इनमें से किसकी पहचान नहीं थी, ऑप्शन कुत्ता दे देगा तो एकदम गलत मानिएगा, क्योंकि कुत्ते की पहचान थी, ध्यान रखिएगा, बिल्ली की पहचान थी, अगर वहां पे पहचान नहीं थी तो किसकी नहीं थी? तो ऊंट की नहीं थी, हाथी की नहीं थी। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना है लोथल, आइए लोथल में चलते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, किसको? लोथल को। लोथल लघु हड़प्पा भी कह सकते हैं, हड़प्पा तो जानते ही है, दयाराम शाहनी 1921, इसको जो है लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, लोथल को कहा जाता था। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एसआर राव ने किया था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवारा साक्ष्य मिला जिसकी लंबाई इतना किलोमीटर है, बस ये सब छोड़ दीजिए। अब यहां पे देखिए, लोथल नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तर पश्चिम किनारे पे इसका एक समाधि का क्षेत्र था। यहां पे 20 समाधियां मिली है, ध्यान रखिएगा, लोथल और कालीबंगा यहां दोनों पे जो है यहां पे क्या है, शवदान मिले हैं, दोनों जगह पे शवदान मिले हैं। चलिए अब देखिए, प्रशासनिक भवन की संज्ञा भी दी गई है यहां पे इसको लोथल में। लोथल में चाहुंदरों की भांति यहां मन के बनाने के कारखाना थे। लोथल होगा भी मन के बनाने की कारखाना, क्यों? क्योंकि मन के मोतिया जो बनते थे वो कहां पे? समुद्री इलाका, समुद्र में पाया जाता था। लोथल जो था वो गुजरात में था, तो यहां मन के बनाने की कारखाना भी थी। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, याद रखिएगा, कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़िया। 100 हेक्टेयर में बसे ये कहां पे था? कालीबंगा राजस्थान में। अब कालीबंगा अगर पूछेगा कहां है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता बच्चों को कि सुजीत सर गुजरात माने, हरियाणा माने, या फिर पाकिस्तान मार दें, अफगानिस्तान मार दें,
या फिर राजस्थान मार दे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो याद रखिएगा काली बंगा, काली कहां की होगी लड़कियां, काली काली मतलब लड़कियों को इंडिकेट किया। देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, बस ठीक समझा रहा हूं, काली कहां की लड़कियां होगी जहां ज्यादा गर्मी होगी, और ज्यादा गर्मी कहां हो रही है, राजस्थान में हो रही है, यहां मरुस्थल है, तो वहां अगर काली हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कालीबंगा कहां, राजस्थान। अब किसी की है हिम्मत कि आपका गलत कर दे, अब कालीबंगा बोले आपका फटाक से दिमाग में निकल के आएगा बस राजस्थान, आंख बंद करो मारो टिक, सही हो जाएगा। गंगानगर जिले में ये क्या है स्थित है, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था, कालीबंगा अमलानंद घोष। चलिए आते हैं आगे, सरस्वती की एवं दिष्टावती नदियों के बीच में यह क्या था स्थित था, सरस्वती के आधुनिक नाम जो है घग्घर एवं दिष्टावती की चौतंग होता नाम, सरस्वती नदी के किनारे घग्घर हाकर और पाट पर सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रित था। कालीबंगा के पश्चिम टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सभ्य सैंधव संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं, इन प्रमाणों में हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा, अब तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें जो प्रमाण मिले हैं हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी और तिरछी, ध्यान रखिएगा आड़ी और तिरछी रूप पे किया गया है, इसमें दो फसलें एक साथ बोए गए जाने का अनुमान है कि यहां पे जो है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और ऐसा माना जाता है यहां पे दो फसल बोई जाती थी। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण में मिट्टी कच्ची ईंटों के बने हुए 5 या 6 चबूतरे भी यहां पे मिले हैं, जिनके ऊपर कई अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली है जो कि आयताकार है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको समझते हैं, बनवाली, बनवाली आइए बनवाली को समझते हैं। इसका स्थल जो है वो कहां पे है, हरियाणा हिसार में है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में R.S. बिस्ट ने किया है और यहां की मिट्टी का बना हुआ हल बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, जौ और हल। अगर लोथल पूछा जाए तो लोथल में क्या, लोथल लो है ना, लो मतलब चावल, लोथल से चावल। और बनावली ऐसे भी देखिएगा ना, हरियाणा की लड़की जो होती है ना वो बड़ी बनावटी वाली काम करती है, अपने आप को बड़ा बन के दिखाती है हरियाणवी, बस ये ट्रिक। हालांकि सम्मान मैं वहां की भी लड़कियों को करता हूं, सब मेरे अपने परिवार की तरह, बस आपको याद करवाने के लिए ताकि याद रह जाए कि बनावली का मतलब है सीधे कहां चल जाएगा, हरियाणी। तो अगर ये बनावटी है, ये बनावटी करके बेकूफ अगर आपको बना देगी तो बेहतर है राखी बनवा लो, इससे प्यार व्यार के चक्कर में मत फंसना इसमें, वरना बना के आपको छोड़ देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो बेहतर है कि बनावली में जो है हरियाणा में है, हरियाणवी से बच के रहना बेहतर है। राखी यानी राखी गरीबी कहां है, हरियाणा में। अब आप भूलिएगा जिंदगी में, लगता भी है आपको, ऐसे पढ़िए तब मजा आएगा। अब यहां पे जो है मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले हैं और यहां पे जो है फसल जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनावली सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेष जल निकासी प्रणाली का अभाव था, हरियाणा में जो बनावली वहां पे क्या था, जल निकासी का थोड़ा सा अभाव दिखता है यहां पे। क्लियर है ना। आइए धौलावीरा देखते हैं, जो इंपोर्टेंट है वही चीज को समझते हैं। धौलावीरा ये सातवां जो है, सात नगर की बात किए थे, यह नगर गुजरात के कच्छ जिले में भरूच तालुक में खादी नगर में द्वीप में स्थित एक भाषा में बैठे कहते थे। यह पश्चिम कोने पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है जो 100 हेक्टेयर में जो है क्या है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। 1990 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इसमें क्या है, आर.एस. बिस्ट के निर्देश में उत्खनन कार्य अभी भी चल रहा है इसमें, धौलावीरा में। क्लियर हुआ, ये सात के सात थे जिसको हम मतलब बेसिक से उठा के आपको बता दिए। यहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए किसी भी पीसीएस पर पूछे हुए हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल लो, आप देख लो। दोस्तों एक बात मैं यहीं पे बता देता हूं कि इसमें थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसमें उतना ही बात करेंगे जितना जरूरत है। एमसीक्यू के लिए एक अलग सीरीज निकाल देंगे जिसमें आप तैयारी करके रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हिस्ट्री होगा उसमें कंप्लीटली जितने भी हिस्ट्री के मतलब जितने भी हड़प्पा के क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन दे देंगे और आपसे बनवाएंगे, हम पूछे जाएंगे, बताते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, वो नेक्स्ट कल वाली वीडियो में होगी, ताकि हड़प्पा पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरा ट्रिक के साथ में। कल के लिए उसके लिए इंतजार कीजिएगा। चलिए राजनीतिक स्थितियां, अब थोड़ा सा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थितियां हड़प्पा की देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जानकारी के क्या है, अभाव है राजनीतिक में। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा, संभवतः, क्योंकि यहां पे जो अगर देखिएगा तो
पुरातात्विक अवशेष तो हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जानकारी का अभाव है। यहाँ पे संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में ही शासन रहा होगा। राजनीतिक, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता एक ही प्रशासनिक व्यवस्था में रही होगी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन एक ही रहा होगा और वो प्रशासन शासन किसके हाथ में था, तो पुरोहित वर्ग के हाथ में था। सामाजिक स्थितियां, आइए सामाजिक स्थितियां के अंदर चलते हैं। क्या है सामाजिक स्थितियों में? मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे उस टाइम में, मात्र सत्तात्मक यानी कि माता की प्रधानता होती थी उस टाइम में। ऋग्वेद तक आते आते जो है वहां तक भी माता की प्रधानता से 1000 ईसा पूर्व तक भी माता की ही प्रधानता होती है वैदिक ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल होता उसके बाद पितृसत्तात्मक समाज आ जाता है यानी कि पिता की प्रधानता शुरू हो जाती है। क्लियर हो गई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए आइए, अब क्या है, समाज संभवतः चार वर्गों में विभाजित था। संभवतः चार वर्ग में उस टाइम में था। किसमें? हड़प्पा में। ध्यान रखिएगा, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार में मत जोड़िएगा भगवान के लिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। क्लियर है? पुरोहित जो विद्वान पूजा पाठ कराने वाला, व्यापारी जो कि व्यापार वाणिज्य करने वाला, किसान जो कि किसानी करने वाला, श्रमिक जो कि किसान के खेतों में काम करने वाला। बड़ी मात्रा में मातृदेवी मूर्तियां यहां पे मिलती है, माता की प्रधानता है तो मातृदेवी मूर्तियां यहां पे मिलती है। यह शांति प्रिय लोग थे, इनके अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते। शांति प्रिय लोग थे, जहां पे शांति प्रिय लोग होगा वहां क्या हथियार आपको मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। महिलाओं को पुरुष श्रृंगार करते थे, महिला और पुरुष जो होता थे दोनों के दोनों श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात यानी कि हीरे जवाहरात जो होते थे पहनते थे। यहां के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। शाकाहारी किस तरीके से? तो यहां पे जौ, गेहूं, मटर, समझ में आ रहा ना, रागी, इन सब की जो होती थी यहाँ पे खेती होती थी, तो ये लोग जो खाते थे वो शाकाहारी थे। मांसाहारी में चाहे बकरी को पाल रहे हैं, क्लियर है ना, चाहे आप मुर्गी को पाल रहे हैं, तो इन सब से क्या होता था, इनको मांस भी मिलता था और दूध भी मिलता था। शतरंज और मुर्गी की लड़ाई इनका क्या होता था, प्रिय खेल होता था, मनोरंजन होता था, शतरंज और मुर्गी की लड़ाई। अंतिम संस्कार में तीन विधियों की जो है प्रचलन थी, एक था पूर्ण सावधान, दूसरा था आंशिक सावधान और तीसरा जो था वो क्या था, दाह संस्कार था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह आत्मा और पुनर्जन्म में क्या होते थे, विश्वास करते थे। आत्मा और पुनर्जन्म में इनका विश्वास होता था। लोथल से तीन कालीबंगा और युग्म समाधान मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधान मिले हैं। युग्म मतलब दो लोगों का एक साथ जो है सब मिला है। कहां कहां से? लोथल से और कालीबंगा से। धार्मिक स्थिति को देखते हैं थोड़ा कि धार्मिक स्थिति इनका क्या था। प्रकृतिक बहुदेव बाद में विश्वास करते, बहुत सारे देवी देवताओं पर विश्वास करते थे उस समय जो होते थे, तारा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, प्रकृतिक, पेड़, इन सब को क्या होते थे, इन पे विश्वास करते थे। पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्ति मिली है लेकिन मंदिर बनने का अभी कोई भी प्रारंभ, कोई साक्ष्य नहीं। देवताओं की मूर्ति है लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। ये सबके सब जो होते थे अंधविश्वासी होते थे। ये जादू टोना टोटके में विश्वास बिल्कुल भी एकदम पूरी आसानी से कर लेते थे क्योंकि उस टाइम में शिक्षा था नहीं, विज्ञान था नहीं, तो जादू टोने पर विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। बलि भी जो है इसमें ये पूरी तरीके से विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड, काली मतलब काला है, हवन, हवन कहाँ होगा, जहाँ काला होगा, जहाँ पे आग लगेगी, राख होगी, तो काला ही होगा, तो हवन कुंड कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। कभी भूलिएगा, लगता भी आपको है। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा पे ये लोग क्या होते थे, विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान और योग का पूरी तरीके से क्या था, ज्ञान था। मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिलती है जिस पर क्या है, आध शिवा का चित्र मिलता, आधा शिव भगवान का चित्र मिलता, जो कि मोहनजोदड़ो में एक मुहर में मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें जो है पशुपति नाथ कहा है। भगवान शिव को जो है मार्शल जो है पशुपति नाथ कहे हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आर्थिक स्थिति में आते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजार या शहरों में ले जाके बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी, ये सब यहां की क्या थी, प्रमुख फसल थी। चावल, बाजरे का इनको क्या था, ज्ञान नहीं था, लेकिन चावल के साक्ष जो मिले हैं वो कहां पे मिल रहे हैं, लोथल में मिल रहे हैं। और रंगपुर में चावल की भूसी भी मिल रही है, तो इसका मतलब है रंगपुर भी कहां पे, गुजरात में ही है। अब देखिए, लोथल से चावल के साक्ष मिले हैं और यहां देखिए है ना, रंगपुर, रंगपुर में चावल के भूसी मिले हैं, तो इसका मतलब है चावल था
लेकिन चावल का ज्ञान इनके पास में बिल्कुल भी नहीं रहता। रंगपुर जो था उत्तर हड़प्पा स्थल था। शुर्तगोई जो कि अफगानिस्तान में था, जहाँ पे नहरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ कोई नदी नहीं था इसलिए नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धौलाबीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, धौलाबीरा है वहाँ पे जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि धौलाबीरा जो है कहाँ है। यह पशुपालन भी, ये यहाँ के लोग जो थे वो पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय भैंस बघेड़ बकरी खरगोश कुत्ता बिल्ली इन सब का जो था प्रिय था। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा ऊंट घोड़ा हाथी इन सब के परिचित नहीं थे, लेकिन साक्ष्य घोड़ा का मिलता लोथल में, साक्ष्य है उसकी अस्त्र पंजिया मिली है लेकिन जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। विदेशी व्यापार भी इनका होता था। सरगोन अभिलेख से सिंधु सभ्यता में जो है इनमें जो है सरगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को जो है क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था, एक तरीके से चिया, जिसे हम लोग नहीं कहते हैं बिहारी पंजाबी मद्रासी, उसी तरीके से वहाँ से रहने वाले लोग जो होते थे वहाँ पे जो विदेशी होते थे वो लोग जो है वहाँ के रहने वाले सिंधु सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे उनको मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा नातिकों का देश, मेलुहा जो होते थे इसका मतलब है नातिकों का देश। नातिकों का देश का मतलब होता था, मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो नाविकों, जो नाविक होते थे नाव चलाने वाले, उनका देश इनको माना जाता था। मेलुहा हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध थे। सरगोना अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया, सरनों का अभिलेख में जो है कपास जो होता था उसको सिंडन कहा गया, और कई बार कई किताब में जो है सिंडन जो है सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कपास जो है बहुत अधिक मात्रा में पूरी दुनिया में जो है, अगर विश्व में प्रथम खेती कपास की हुई है तो वो भारत में ही हुई है। दलमुन बहरीन और अखान ओमान में जो है मध्य काट करते थे। मुद्रा व्यवस्था प्रचलित बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता था जो वस्तु आपके पास में वो मुझे दे दीजिए, जो मेरे पास में है मैं आपको दे दूंगा, तो इसी को कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। यह सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। सोने और चांदी का इसमें क्या किया जाता था, इनका प्रयोग किया जाता था। लोहे से परिचित बिल्कुल भी ये नहीं थे, लोहे से नहीं परिचित है, क्योंकि लोहे का जो अब मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में भी नहीं, ऋग्वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। तांबा और टिन को बना के ये कांसे का निर्माण करते थे। बालाकोट पाकिस्तान में जो है शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं, और इन्हें लिपि का तो ज्ञान था लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए भाव चित्रात्मक लिपि इनके होते थे, जो कि कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, इसी तरीके से ना यहां बाएं हुआ बाएं से दाएं, ये लोग इधर से इधर लिखते थे, फिर इधर से इधर, 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 इसको कहते थे खगोष्ठी लिपि कहते थे। क्लियर ना, समझ रहे ना, इस चीज को ध्यान रखना। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था, जिसमें कोई साक्षी नहीं था। इसमें इतने भाव मिलते हैं, अभी तक इसे पढ़ा भी नहीं गया है। यहाँ तीन तरह की मूर्तियाँ मिलती थी, धातु की मिलती थी, मिट्टी की मिलती थी और पत्थर की मिलती थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मिट्टी जिसको टेराकोटा भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो से जो मिली है एक नर्तकी की, जो कि धातु की बनी हुई है, इसका मतलब है कि मूर्ति जो बनती थी, समझ रहे ना, वो धातु की बनती थी। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे धातु के रथ मिलते थे। मोहनजोदड़ो में पुरोहित राजा जो थे उनके पत्थर की मूर्तियाँ मिली है, इसका मतलब है मूर्ति जो है पत्थर की बनती है। और टेराकोटा में जो कि मातृ देवी की मूर्ति है, टेराकोटा मतलब मिट्टी हुआ, मिट्टी के मूर्ति हुए, यहाँ पे मातृ देवी की मिलती है। ज़्यादातर मोहरे जो है सेल खड़ी से बनी हुई होती थी। ध्यान रखिएगा सेल खड़ी जो होती थी एक अलग किस्म का पत्थर होता था, जो बड़ा खूबसूरत बड़ा चमकीला होता था, जो चकोर टाइप का होता था पूरा। मोहरे में गुलबस्त की व्यक्ति की पहचान का घोतक होता था। मोहरे में जो है एक सिंगा एक श्रृंगी जो होता था सबसे ज्यादा होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त हुए, जिसमें कुबर वाले सांस जो मतलब साढ़ है उसका क्या होता था, चित्र बना हुआ होता था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना बाढ़ के कारण पतन हुआ है बस, बाकी कोई मतलब आपको कहीं से भी नहीं है। चाहे जलवायु परिवर्तन किसी ने बोला अम्लानंद के अनुसार तो वो भी नहीं सोचना है, कनेडी अगर बोलेंगे प्राकृतिक आपदा वो भी नहीं सोचना है आपको, राज साहब बोलेंगे बाढ़, जॉन मार्शल बोलेंगे बाढ़, मैके बोलेंगे बाढ़, तो बाढ़ के कारण ही रियलिटी पता चलता है। और कुछ जो होंगे गार्डन चार्ल्स या मार्टियर व्हीलर तो ये बोलेंगे कि नहीं आर्यों का आगमन हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पतन का कारण जो था वो बाढ़ ही था। तो चलिए दोस्तों, आज पूरा का पूरा हमारा कोशिश था कि हड़प्पा को पूरा
व्याख्या के साथ में पूरा चौतरफा घिराई करके पूरा डाटा आपके दिमाग में ले जाके छोड़ दूं, कॉपी में नहीं, आपके मोबाइल में मेरी आवाज़ नहीं, बल्कि मेरी आवाज़ आपके दिमाग में रख जाए। हमारी बस यही कोशिश है और ये कोशिश हम तब तक करने के लिए तैयार हैं जब तक बीपीएससी आप क्वालिफाई नहीं कर जाइए। मैं दुनिया में किसी का नहीं जानता हूं कौन पास करेगा कौन फेल करेगा, बस मैं ये जानता हूं कि अगर आप दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आयोग के वेबसाइट पे आपका नंबर होना ही चाहिए और इसके लिए आपको जान लगाना होगा वैसे ही जैसे मुझे आपको पढ़ाने के लिए इस गर्मी चिलचिलाती गर्मी में पसीने के साथ भी पढ़ाना पड़ रहा। बस स्वार्थ है और स्वार्थ बस यही है कि मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए आप कि मैं आपको मेंस पढ़ा सकूं। बस उसी के लिए इतना तमाशा मैं कर रहा हूं, मुझे मेंस पढ़ाना है आपको और वो मैं पढ़ा के रहूंगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, बस आप मेरे साथ रहिए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।